Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the fourth week of Flutter course offered by Antonix. Hamara is week ka jo main goal hai wo databases aur jo specially remote databases hai unke sath kaam karna. Matlab hum data wahan se kaise fetch karenge, hum integration kaise karenge, jo basic data hum pass karte hain databases ko, server ko, and then we the data we receive. So different formats, especially JSON format. So our main focus for today will be on the JSON. कि आपको जो है ना JSON की समझ आ जाए कि JSON objects हमारे पास किस format में होते हैं. So this is just a simple data structure. But अगर आपने पहले इस पे काम नहीं किया, so it can be a bit confusing for you. FFV don't discuss it over here. सही? And then we'll just directly jump into the Google Firebase for Flutter. हम कस्टम डेटाबेसेस पे नहीं जाएंगे. जो लेट्स सपोज एसक्यूएल और रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें काफी सारा काम है. वो अगेन आपका जो है ना वो बैकएंड डेवलपमेंट की बातें उसमें आ जाती है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट फॉर नाउ, बट वी विल श्योरली डिस्कस द फायरबेस, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन फायरबेस एंड बेसिक प्रोडक्ट स्टोर, अगेन फायरबेस इंटीग्रेशन इनटू योर फ्लटर एप्लीकेशन. और उसके बाद हम थोड़ा सा जो फायरबेस डाटा मॉडलिंग है उस पर थोड़ा सा काम करेंगे. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज लाइक अगेन डेटाबेस डिजाइन का जो है ना वो इस पर डिफरेंट कोर्स कम्प्लीटली हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी वोंट गो इन दैट मच डिटेल ऑन डेटाबेस मॉडलिंग और डेटाबेस डिजाइन. And then we'll do Firebase CRUD. Mean like we'll be pushing data to the Firebase database and then receiving that data. We'll try to work on streams if we got some time. And then we'll be working on Firebase authentication as well to authenticate our app into the using Firebase authentication system. Mostly we'll be using email and password. उसमें और भी बहुत सारे options हैं, but for now we'll be using this one. सही है? Local storage. We'll try to find a way to have little bit discussion on these things as well. कि हमारे पास local databases जो हैं उसपे हम but इसपे ज़्यादा हम detail में नहीं जाएंगे. हमारा main जो focus होगा वो Firebase पे होगा इस Flutter के इस course में. सही है? थोड़ी बहुत discussion इसपे कर लेंगे, but anyhow our main focus would be on Firebase. So now coming toward the first and important topic, and that is JSON basic data management. What is the JSON format or JSON format हमारे पास क्या होता है? सही है? So JSON हमारे पास क्या है? JSON stands for JavaScript Object Notation. Actually this is हमारे पास actually जब हम databases को send servers को send करते हैं, उसे हम data receive करेंगे, तो उसके लिए हम different protocols follow करते हैं. By protocol I mean कि हम predefined format follow करते हैं कि यार इस format में आपने मुझे data send करना है और इस format में आपने data receive करना है. सही है? So in that case like we have different formats, XML भी है, JSON भी है, इसके अलावा भी और बहुत सारे YAML भी है. सही है? So different formats हमारे पास मौजूद हैं. सही है? But जो mostly बहुत ज़्यादा use होता है REST APIs में भी mostly use करते हैं JSON, mostly use करते हैं. उसके अलावा और भी options हैं, बट जो जेसन फॉर्मेट है उसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं. सही है? हम जब डेटा एक सर्वर को सेंड करते हैं तो उसको भी मोस्टली हम जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं. जब हम डेटा हम रिसीव करते हैं किसी डेटाबेस से, किसी सर्वर से, रिमोट सर्वर से जो डेटाबेस से फिच करके हमें सेंड करेगा, सो दैट्स मोस्टली इन जेसन फॉर्मेट. सो दैट्स व्हाई वी विल बी हैविंग सम डिटेल डिस्कशन ऑन जेसन. सही है? अब जेसन हमारे पास क्या होता है, अभी आपको हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं. सही है? अब लेट सपोज हमारे पास है एड्रेस, लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है. सही है? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है. अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? नेम हो सकता है. सही है? उसका लेट सपोज फोन हो सकता है, उसका फोन एंड एड्रेस. सही है? अब अगर एड्रेस देख लें तो एड्रेस में हमारे पास फिर मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं. सही है? उसका लेट सपोज स्ट्रीट नंबर, उसका जो है ना लेट सपोज सेक्टर हो सकता है, सेक्टर नंबर. एक मिनट, इसको जो है ना जरा डाउन से स्टार्ट करते हैं. तो एड्रेस में उसका जो है ना वो हाउस नंबर,
उसका स्ट्रीट नंबर, सेक्टर, एंड उसके अलावा जो है ना, लेट सपोज उसका किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर वो रह रहा है तो लेट सपोज फेज हो सकता है, सही है, एंड सोसाइटी, किस सोसाइटी, हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी में वो रह रहा है, सही है। सो हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी नेम, सही है। अब हमारे पास लेट सपोज ये डेटा है, सही है, ये हमने डेटाबेस को सेंड करना है, सो ये हम किस फॉर्मेट में उसको सेंड करेंगे, सही है। सो फॉर दैट वी यूज जेसॉन फॉर्मेट, सही है। जेसॉन फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, जेसॉन फॉर्मेट में हमारे पास जस्ट की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं। की वैल्यू पेयर्स हमारे पास किस तरह होते हैं, अगर आप लोगों ने मैप देखा हो तो मैप में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, बट एनी हाउ मैप पे हमने काफी ज्यादा काम नहीं किया, सो दैट्स व्हाई अभी आपको मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ, सही है। लेट सपोज हमारे पास ये अभी एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है, सो जेसॉन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स लाइक दिस, सही है, जो कर्ली ब्रेसेस है उससे स्टार्ट होता है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर इनिशियली होती है उसकी की, सही है, ये की है, और यहाँ पर इसके पास हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, ये देख लें, सही है। सो ये जेसॉन का हमारे पास इसमें एक ऑब्जेक्ट आ गया है, ये की है और ये उसकी वैल्यू, सही है। अब लेट सपोज हमारे पास हमने जेसॉन में एक और डेटा डालना है, मतलब एक और की डालनी है, सो लेट सपोज वी कॉल इट की वन, की टू, एंड यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, लेट सपोज इसको मैं वैल्यू टू का नाम देता हूं, इसको मैं वैल्यू वन का नाम देता हूं, सही है। So, अगर आप लोग देख लें ये जेसॉन में हमारे पास ये, अब हमारे पास ये एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, सही है, सो दिस इज अ जेसॉन ऑब्जेक्ट, सही है, सो दिस इज अ जेसॉन ऑब्जेक्ट। जेसॉन ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, उसमें हमारे पास की एंड की क्या आ गया, उसकी वैल्यू, सही है। अब आपको मैं आसान एग्जाम्पल देने के लिए चले उसको, उसकी तरफ मैं एग्जाम्पल की तरफ बाद में आता हूँ, सही है। अब हमारे पास जेसॉन में क्या हो सकता है, जेसॉन में हमारे पास फिर दूसरा जो फॉर्मेट आता है वो है, वो होता है नेस्टेड जेसॉन, मतलब जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जेसॉन का ऑब्जेक्ट, सही है। लेट सपोज मेरे पास की थ्री है, की थ्री, एंड उसके अंदर मैं क्या डालता हूँ यहाँ पर, वहां पर मेरे पास एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, सही है, एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, इनमें मेरे पास लेट सपोज है की फोर एंड उसकी वैल्यू, लेट सपोज की फाइव एंड इसकी वैल्यू, सही है। अब मैं उसको जेसॉन वीवर में देखता हूँ, सो अब आप लोग देख लें यहाँ पर, अब ये देखिए मेरे पास एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, सही है। अब इसमें मेरे पास कितने कीज हैं, वन टू थ्री, अब ये हमारे पास ये की है इसकी वैल्यू, ये की है ये इसकी वैल्यू है, अब ये जो की है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक और जेसॉन ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट अंदर मौजूद है, ये की है इसकी वैल्यू, सही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम आते हैं, जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में उसका नेम है, फोन नंबर है एंड उसका एड्रेस है, सही है। सो इस इंफॉर्मेशन को हम एक जेसॉन फॉर्मेट में लाते हैं, सही है। सो जेसॉन फॉर्मेट में क्या होगा, नेम होगा उसका, सही है। अब ये मेरे पास स्टूडेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट है, सही है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेम हो गया, एंड यहां पर मैं क्या कहता हूँ, लेट सपोज का नाम है हारून, सही है। अब उसका जो है ना फोन है, सो उसका फोन नंबर क्या होगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, लेट सपोज उसका फोन नंबर हो गया है, सही है। अब जो एड्रेस है, अब अगर एड्रेस में आप लोग देख लें, सो एड्रेस में हमारे पास फिर मल्टीपल फील्ड्स हैं, उसका हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, सेक्टर है, फेज है एंड सोसाइटी नेम है, सही है। सो अब ये जो एड्रेस है इसका हमारे पास एक और जेसॉन ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये हम जो हमारे पास ऑलरेडी जेसॉन एक फॉर्मेट, तो इसका ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम यहाँ पर जेसॉन ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पर किस तरह एड्रेस लिखें, लेट सपोज हाउस नंबर वन, स्ट्रीट सिक्स, फेज फाइव, हयातबाद, पिशावर, सही है। सो लेट सपोज एक एक फॉर्मेट तो हमारे पास ये हो सकता है, सही है। बट अगर आपको चाहिए कि आपका स्ट्रीट, आपके पास स्ट्रीट नंबर वो सारी चीजें अलग आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जेसॉन का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही है। सो जिसमें हम क्या करते हैं, हाउस नंबर, एंड यहाँ पर लेट सपोज का हाउस नंबर था वन, सही है, उसका हाउस नंबर लेट सपोज इंटीजर में भी हो सकता है, उसको आप इंटीजर में भी रख सकते हैं, सही है। सो दिस इज एन इंटीजर, आई डोंट नो व्हाई इट्स रेड, ओके,
अच्छा, सो ये उसका हाउस नंबर लेट सपोज हो गया है, उसका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर लेट सपोज द सिक्स, लेट सपोज का स्ट्रीट नंबर है सिक्स, सही है। मैं जैसा व्यूअर में आता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लें। अब हमारे पास क्या है, अब ये एड्रेस है ना उसका, हाउस नंबर सिक्स, स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर वन, स्ट्रीट नंबर सिक्स। एंड लेट सपोज को मैं फेज कर देता हूँ, फेज फेज फाइव, सही है। एंड सोसाइटी में कर देता हूँ हयात आबाद पिशावर, सही है। सो अब आप लोग ये देख रहे हैं, हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास जेसॉन का एक ऑब्जेक्ट है। अब हम हमारे पास जो डेटा होता है, मोस्टली जब हम डेटाबेस से हमें डेटा मिलता है, या हम डेटाबेस को डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर डेटा, सही है। ये थोड़ा बहुत जेसॉन ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हम जेसॉन ऑब्जेक्ट हम किस तरह बना सकते हैं और उसको हम फिर यूज कैसे कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि ये हमारे पास अभी क्लियर है, सही है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, दोबारा आकर अभी हमने फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर देखना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को, जैसा का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम इससे हम इसमें हम वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे और इसे हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सही है। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूँ, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने, अगर आपको याद हो, एक फाइल बनाया था डॉट एडवांस टॉपिक्स के नाम से। इसी में मैं ये कर लेता हूँ, ये सारा काम यही पर मैं अभी करने की कोशिश करते हैं, सही है। ओके, इस कोड को हम कमेंट करते हैं, सही है। एंड इस कोड को हम डाउन मूव कर लेंगे, एंड यहाँ पर अभी हम अपना नया कोड लिखते हैं, सही है। सो लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूँ वेरिएबल जेसॉन, सही है। जरूरी नहीं कि आप जेसॉन नाम लिखते हैं इसका, सही है। लेट सपोज मैं इसको लिखता हूँ स्टूडेंट इन्फो इन जेसॉन, सही है। और इसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, इसी तरह जिस तरह हमने वहां पर ऐड किया था ना, एग्जैक्टली आप उसको इस तरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, सही है। ये आपके पास की है, ये इसकी की वैल्यू है, ये आपके पास की है, ये इसकी वैल्यू है। अब ये आपके पास की है, एंड इस की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक और जैसान का ऑब्जेक्ट है, सही है। उसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फेज एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें आ रही है अभी। क्लियर, आई होप सो के इट्स क्लियर, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है, सही है। अब लेट सपोज ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हो, सही है। इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ना, उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मैप, मैप का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सही है। सो दिस इज एक्चुअली अ मैप इन इन डार्ट, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक मैप, सही है। अब मैप में हमारे पास क्या होता है, मैप में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, सही है। अब मैप में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स किस तरह होते हैं, ये की वैल्यू पेयर्स हमारे पास आएंगे स्ट्रिंग डॉट डायनेमिक, सही है। अब ये मेरे पास क्या है, ये एक मैप है, सही। एंड इसका हमारे पास की क्या होगी, कि इसकी हमेशा स्ट्रिंग होगी, एंड इसकी जो वैल्यू है वो डायनेमिक होगी, मतलब वो कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, एक और जैसा उनका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई मेड इट डायनेमिक, सही है। तो आप लोग यहां पर देख लें, यहां पर ये हमारे पास की है, तो ये हमेशा स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है, ये की है इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, सही है। अब ये जो की है, इसकी वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, बट एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, सही है। सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट ओवर हियर डायनामिक, सही है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जेसॉन का ऑब्जेक्ट, में हमारे पास ये की है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है इंटीजर है, इन सारे कीज की हमारे पास जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स है, सही है। सो दिस इज द बेसिक जेसॉन ऑब्जेक्ट, जिसको हम डार्ट एंड फ्लटर में मैप बोलते हैं, सही है। अगर आप इसको यहां पर ऐड भी ना करें, सो स्टिल इट विल वर्क, सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट आ गया है। लेट सपोज हम सपोज करते हैं कि ये जेसॉन का ऑब्जेक्ट मेरे पास डेटाबेस से आया है, सही है। अब यहां पर बात यह है कि यहां से मैं ये नाम जो है, इसकी ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, फोन नंबर कैसे निकालूंगा, यहां से एड्रेस का जो एड्रेस है, वो एड्रेस में यहाँ इस जेसॉन ऑब्जेक्ट से कैसे इसको मैं रीड करूंगा, सही है। एक तो ये कि आप टोटल ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, बट हमारे पास एक्चुअल सीन इस तरह नहीं होता, हमारे पास हम वैल्यू बाय वैल्यू चेक करते हैं ना,
वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू हम चीजों को जो है ना वो लेट्स सपोज आपने डिस्प्ले करना है, नेम अलग डिस्प्ले करना है, फोन नंबर अलग डिस्प्ले करना है, एड्रेस अलग अलग डिस्प्ले करना है. सो आपको किस चीज की जरूरत होगी यहाँ पर, सो आपको यहाँ से ये वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीज निकालनी पड़ेगी. सही है, तब जब यहाँ यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे एंड देन उसको आप यूज कर सकते हैं. सही है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखता हूँ नेम, अब मैं यहाँ से वैल्यूज निकालूंगा. सही है, सो नेम इक्वल्स टू, तो नेम को मैं कैसे, अब मैं इस डेटा से किस तरह निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास अभी एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, या आप इसको मैप बोल सकते हैं यहाँ पर. सही है, सो ये मेरे पास मैप है. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. ओके, सो अब ये मेरे पास जेसॉन का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट इन्फो इन जेसॉन फॉर्मेट, एंड यहां से ये मैं वैल्यू किस तरह निकालूंगा, लेट सपोज नेम. तो आपने जस्ट यहां पर उस की का नाम लिखना है. सही है, आपके पास की क्या है, नेम है. अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, जेसॉन इस वैल्यू से आपके पास जस्ट ये नेम आउट बाहर आ जाएगा. सही है, इस मतलब इससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है. इसको मैं लेट सपोज प्रिंट करता हूँ, सो आप लोग देख लें, नेम इज डॉलर नेम, मतलब ये नेम, इस नेम को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ. सही है, सो यहाँ पर यही इसको हम रन करते हैं. सो राइट क्लिक करके इसको आप रन कर सकते हैं यहाँ से. ये देख लें, इस ऑब्जेक्ट से मैंने ये, अब ये जैसान का ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने ये नेम की वैल्यू निकाल दी है. सही है, सो आप यहां से किस तरह वैल्यू निकालेंगे, जस्ट आप ये ब्रेसेस लगा के यहां पर आपने की का जो की है उसका नाम लिखना है. सही है, सो दैट्स हाउ मैप्स वर्क. सही है, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये तो मेरे पास डायरेक्टली ये नेम है एंड ये उसकी उसकी ये की है, इसकी वैल्यू है, इसको तो मैं आसानी से यहां से निकाल सकता हूँ. सही है, अब जब बात आती है, लेट सपोज आपने हाउस नंबर निकालना है यहाँ से. सही है, तो हाउस नंबर को आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो एक एक की है एंड उसके अंदर फिर दूसरी की है. सही है, सो उसको निकालने के लिए लेट सपोज आपने क्या करना है, फाइनल हाउस नंबर निकालना है. सही है, एंड स्टूडेंट इन्फो. सो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने कौन सा की यूज करना है, कौन सी, क्योंकि एड्रेस का हमारे पास की है एड्रेस. अच्छा, अब एड्रेस के अंदर एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ये वाला. सही है, सो इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट से हाउस नंबर किस तरह निकालेंगे, यहां पर आप एक और हाउस नंबर लगा रहे हैं, तो आपके पास ये हाउस नंबर, यहां से हमने ये हाउस नंबर यहां से निकाल लिया है. सही है, सो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेसेस लगा के, जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं वो लगा के आपके पास एड्रेस, एंड उसके बाद एड्रेस के अंदर हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, हाउस नंबर की वैल्यू निकालनी है. सो यहां पर हमारे पास हाउस नंबर आ जाएगा, यहां पे आपको दिखाते हैं. इसको दोबारा से रन करते हैं, ये मेरे पास सेम सेम ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई. अब ये देख लें, हाउस नंबर यहां पर कौन सा गिवन है, वन, तो हमारे पास वन आ रहा है. सही है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जेसॉन का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फिर दूसरा जेसॉन का ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर लेट्स सपोज एक और जेसॉन का ऑब्जेक्ट हम डालते हैं, लेट्स सपोज. सही है, इसको मैं क्या नाम दे दूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई अपने आप से कोई एक की डाल लेता हूँ, लेट सपोज. सही है, नेस्टेड, एंड इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. सही है, एंड इसके अंदर मैं डबल नेस्ट इसको क्या नाम दें, चलें डुअल नेस्ट. सही है, एंड इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ. सही है, यहां पर टेस्ट वैल्यू. अब अगर आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है नेस्टेड के नाम से. सही है, एंड नेस्टेड के अंदर हमारे पास फिर ये डुअल नेस्टेड का एक और ऑब्जेक्ट है, एक और की है.
अब इस की को अगर हमने एक्सेस करना है तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, सही है? यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डुअल नेस्टेड वैल्यू के नाम से, सही है? और यहां से मैं भी ये वैल्यू निकालूंगा, सही है? अभी तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज, अच्छा स्टूडेंट इन्फो, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये हमारे पास एड्रेस के अंदर है, सही है? सो फर्स्ट हमने जाना है एड्रेस में, सही है? अब एड्रेस के अंदर फिर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है नेस्टेड के नाम से, नो सही है, हाँ। सो हम एड्रेस के ऑब्जेक्ट में आए, अब एड्रेस के अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड के नाम से ऑब्जेक्ट है, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नेस्टेड, सही है? अब नेस्टेड के अंदर डुअल नेस्टेड का एक और ऑब्जेक्ट है ये वाला, सो इस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस करना है, सो इसको हम नाम देंगे डुअल नेस्ट, एंड इसकी वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी, ये देख लो। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, डुअल नेस्ट वैल्यू, एंड इसको मैं नाम देता हूं डुअल नेस्ट वैल्यू, इसको रन करके देख लें तो आपके पास ये जो टेस्ट वैल्यू है ये भी प्रिंट हो जाएगी डुअल नेस्ट के आगे, ये देख लें टेस्ट वैल्यू, सही है? सो दिस इज हाउ हम जेसॉन का जो ऑब्जेक्ट है, जेसॉन के ऑब्जेक्ट के साथ हम कुछ इस अंदाज से हम जेसॉन ऑब्जेक्ट के साथ हम काम कर सकते हैं, सही है? सो आई होप सो कि इट्स क्लियर, सही है? अगर ये क्लियर नहीं है सो क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके अभी क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते सो विल बी यूजिंग इट मोस्ट ऑफनली व्हेन वी फिश डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जब हम अभी आगे जाएंगे रिमोट डेटाबेस के साथ काम करेंगे, सो जेसॉन का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम काफी ज्यादा काम करेंगे, सो दैट्स व्हाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग अपने क्वेश्चन सामने ले आए, अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, सही है? सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, आई विल गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। Okay, I don't know, okay, if you have questions or not, but I think no one having any questions, so let's move to the next topic. Okay. So, this was just little bit about JSON ke jo objects hain, uske sath hum kaise kaam karte hain. So, that was a little bit discussion about it, sahi hai? Achha, ab hum aate hain databases ki taraf. सही है कि हमारे पास डेटाबेसेस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, सही है? सो जब आप डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए, सही है? रिलेशनल डेटाबेसेस, दूसरे हमारे पास जो है ना जिसको हम बोलते हैं नॉन रिलेशनल बोलते हैं या आप उसको नो सीक्वल बोल सकते हैं, सही है? सो इसमें हमारे पास रिलेशन में कौन कौन से डेटाबेसेस आते हैं, इसमें हमारे जो एसक्यूएल बेसिस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल बेसिस जो डेटाबेसेस हैं वो आते हैं, सही है? लेट सपोज मारिया डीबी है, ये सारे माई एसक्यूएल एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल डेटाबेसेस है, सही है? एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, सही है? सो जिसमें आप जो है ना वो आपके पास रिलेशंस बनती हैं, आपके पास टेबल्स बनते हैं, तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेसेस बोलते हैं, सही है? सो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करें, सही है? बट जब आप रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होगा, सही है? आपको होस्टेड सर्वर चाहिए होगा, सही है? आपके सिस्टम में या कहीं पे होस्टेड होना चाहिए, तो उसके साथ काम करना थोड़ा सा फिर उसके लिए लेट्स सपोज आप एसक्यूएल के साथ काम करते हैं उसको, तो उसके लिए आपको जो है ना बैकएंड जो लैंग्वेज है उसका आपको आइडिया होना चाहिए और बैकएंड डेवलपमेंट का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सपोज अगर आप एसक्यूएल के साथ काम करते हैं तो आप जो है ना खामखा पीएचपी पर आपको आनी चाहिए, पीएचपी में आप फिर जो है ना REST APIs बनाएंगे और फिर REST APIs के थ्रू आप डेटा उठाएंगे MySQL डेटाबेस से एंड देन वो डेटा फिच करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, सही है? सो आपके पास एक ऑप्शन MySQL एंड SQL डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस जो है उसका है, सही है? जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास नो SQL डेटाबेस का है एंड स्पेशली फायरबेस, सही है? फायरबेस सो इसमें हमारे पास एक फायरबेस भी है नो SQL में, इसके अलावा जो है ना मोंगो डीबी है, इसके अलावा और बहुत सारे NoSQL डेटाबेसेस मौजूद हैं, बट ये दो काफी ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली मोंगो डीबी जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए मोंगो डीबी यूज करते हैं।
अगर आपका राइट नाउ लो स्केल और जस्ट टेस्टिंग के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू टू गो अहेड विद फायरबेस। सही है, फायरबेस एक हमारे पास एक फास्ट काफी जो है ना इसमें एक्चुअली आपके पास फायरबेस में आप काम करते हैं, इसमें आपके पास बैकएंड नॉलेज भी होना चाहिए और बैकएंड डेवलपमेंट सारा आप खुद करेंगे। सही है, अब जब फायरबेस यूज करते हैं तो फायरबेस में आपको बैकएंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। सही है, फायरबेस जब आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है और इसी डैशबोर्ड को आप यूज कर सकते हैं। सही, एंड देन फायरबेस में हमारे पास क्या होता है, फायरबेस में हमारे पास एक्चुअली टेबल्स वगैरह नहीं बनते हैं। सही है, इसमें हमारे पास असल में आपके पास वो जेसॉन ऑब्जेक्ट टाइप ही बनता है। सही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर चौथा ऑब्जेक्ट। सही है, इसी तरह आपके पास वहां पर एक जेसॉन का एक जेसॉन फॉर्मेट टाइप आता है, एंड सेम इन द मोंगो डीबी एज वेल। सही है, फायरबेस, सॉरी नॉट ओनली फायरबेस, फायरबेस में हमारे पास जो है ना फायर स्टोर भी है एंड रियल टाइम डीबी भी है, आरडीबी भी है। सही है, रियल टाइम डेटाबेस भी है फायरबेस का। सही, सो मतलब ये आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सही है, सो दिस इज जस्ट लिटिल बिट डिस्कशन के आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब हम आते हैं, अभी हमने काम करना है फायरबेस पे। सही है, फायरबेस इज द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट वे राइट नाउ टू गो अहेड विद, और आई सजेस्ट कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप फायरबेस पे काम करें। सही है, फायरबेस काफी ईजी है और आपका काम जो है ना वो आपको बैकएंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, और अगर आपने खामा का जो है ना वो एसक्यूएल की तरफ जाना है, सो देन यू विल नीड टू लर्न पीएचपी एज वेल। आपके पास जो है ना वो बैकएंड का नॉलेज भी होना चाहिए कि आपने अपना सर्वर, अपना डेटा, अपना सर्वर कैसे होस्ट, मतलब अपना डेटा सर्वर पे कैसे होस्ट करना है, एंड देन यू विल नीड टू अंडरस्टैंड रेस्ट एपीआईज एज वेल कि आपने रेस्ट एपीआईज कैसे डेवलप करने हैं, एंड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द रेस्ट एपीआईज यू विल नीड टू इंटीग्रेट दोस रेस्ट एपीआईज इनटू योर एप्लीकेशन। सही है, सो दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, और अगर आपकी खाम अगर रिक्वायरमेंट है देन यू विल हैव टू लर्न दोस थिंग्स। और फायरबेस में क्या है, फायरबेस जस्ट यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट बैकएंड डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, जस्ट कुछ पैकेजेस हैं फायरबेस के, उसको यूज करके आप फायरबेस को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और जो आपके पास छोटे मोटे एप्लीकेशन होते हैं वो मोस्टली हम फायरबेस पे होस्ट करते हैं। सही, फायरबेस से स्टार्ट करते हैं। जब हम फिर लार्ज स्केल की तरफ जाते हैं, अगर आपका यूजर बेस काफी ज्यादा हो जाता है, सही है, सो देन वी गो फॉर लाइक अदर ऑप्शंस लाइक AWS, और वहां पर हम अपने डेटाबेसेस या MongoDB होस्ट करते हैं या कोई SQL MySQL डेटाबेस होस्ट करते हैं, कर देते हैं वहां पर। सो दैट्स अ डिटेल डिफरेंट डिस्कशन, सो उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। सो द मेन थिंग इज के राइट नाउ वी विल जस्ट गो अहेड विद फायरबेस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने फायरबेस पे जाना है। सही, अब जस्ट फायरबेस सर्च कर लें तो आपके पास फायरबेस का डेटाबेस आ जाएगा, firebase.google.com। सही है, ओके, सॉरी, ओके, सो ये हमारे पास है फायरबेस। सही है, फायरबेस हमारे पास, अगर आपका गूगल का अकाउंट लॉग इन है, अगर जीमेल का अगर आपका अकाउंट है वो लॉग इन है, तो आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। सही है, एंड देन वी कैन जस्ट गो अहेड डायरेक्टली टू द कंसोल। अब मेरा अकाउंट लॉग इन है, सो आई कैन गो टू द कंसोल। सही है, सो आपने जस्ट कंसोल में जाना है। ओके, सो कंसोल में आपके पास ये सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सही है, अगर आपके पास अभी राइट नाउ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया, सो आपके पास ये प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, जस्ट आपके पास जो है ना ये ऐड प्रोजेक्ट का सेक्शन होगा। सही है, सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड लॉग इट आउट, और एक और अकाउंट है उसको लॉग इन करते हैं। ओके, सो अब ये हमारे पास है फायरबेस का मेन डैशबोर्ड। सही है, जब आप यहां पर आते हैं तो आपके पास ये फायरबेस का मेन डैशबोर्ड आ जाता है। सही है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक वो है ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सही है, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट कनेक्ट के नाम से, क्योंकि उसी पे हम काम कर रहे हैं। सो लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ स्टूडेंट कनेक्ट। सो ये आपका यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आईडी है आपके प्रोजेक्ट की। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सही है, बट राइट नाउ जस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इनेबल ही रखें राइट नाउ, जस्ट कंटिन्यू अहेड। यहाँ से आपने अकाउंट बाय डिफॉल्ट, आपके पास जो डिफॉल्ट का फायरबेस अकाउंट है वो सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉपर्टी इन दिस अकाउंट, उन डिटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सो राइट नाउ अब यहाँ पर हमारे पास फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब फायरबेस हमारे पास जस्ट डेटाबेस नहीं है, सही है, ये असल में फायरबेस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टूल्स। उसमें हमारे पास डेटाबेसेस भी हैं और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट जब फायरबेस का नाम हम लेते हैं तो हमारे मोस्टली जहन में जो है ना वो डेटाबेसेस की तरफ, हमारा माइंड डेटाबेस की तरफ जाता है जो रियल टाइम डेटाबेस है। सो राइट नाउ जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सो दिस इज योर फायरबेस प्रोजेक्ट। सही है, अब हम आते हैं कि फायरबेस में हमारे पास क्या क्या है। फायरबेस में हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर आप लोग देख लें, आपके पास ऑथेंटिकेशन का सेटअप भी यहाँ पर मौजूद है, क्लाउड फायर स्टोर है, ये डेटाबेस है। सही है, इसके अलावा आपके पास रियल टाइम डेटाबेसिस भी हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्रैशलेटिक्स के टूल्स हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन आपने लेट्स सपोज लॉन्च किया हुआ है, सो आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारे मेरे एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पर मसला आ रहा है। सो वी यूज क्रैशलेटिक्स फॉर दैट। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आप अपने एप्लीकेशन की मैनेज कर सकते हैं, क्लाउड मैसेजिंग है, एबी टेस्टिंग, बहुत सारे टूल्स हैं। सही है, अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल को, यहाँ से हम एक नज़र देखते हैं जस्ट। सही है, अब आपके पास जो है ना यहाँ पर ये देख लें, ये डिफरेंट टूल्स हैं फायरबेस के। सही है, अब हम फर्स्ट आते हैं बिल्ड की तरफ। सो बिल्ड में हमारे पास कौन 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 से टूल्स हैं, बिल्ड का जो सेक्शन है ये जस्ट उन्होंने सारे टूल्स को सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ऑथेंटिकेशन है, सही है, सो ऑथेंटिकेशन किस लिए यूज होती है, ऑथेंटिकेशन आप जब ईमेल एंड पासवर्ड लॉग इन है या आप ओटीपी बेस्ड लॉग इन करते हैं, सही है, अगर आपने फायरबेस के जरिए करना है सो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। सही है, एंड देन हमारे पास है क्लाउड फायर स्टोर, आपके पास ये डेटाबेस है एंड रियल टाइम डेटाबेस, ये दो आपके पास डेटाबेसिस के ऑप्शन है। सही है, एंड देन आपके पास यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है, स्टोरेज में आप अपने फाइल्स रख सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन में इमेजेस यूज हो रहे हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, पीडीएफ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सही है, होस्टिंग है, होस्टिंग में आप अपना जो है ना आपका वेबसाइट है तो आप यहाँ पर होस्ट भी कर सकते हैं, सो फायरबेस प्रोवाइड यू होस्टिंग एज वेल। फंक्शन हैं, सो इसको हम क्लाउड फंक्शन बोलते हैं, किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग के ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, बट उनकी तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास क्रैशलेटिक्स है, परफॉर्मेंस और भी बहुत सारे टूल्स हैं, टेस्ट लैब्स हैं, एनालिटिक्स के टूल्स हैं। सही है, इवेंट्स, कन्वर्जन, ऑडियंस, सो ये काफी सारे एनालिटिक्स के टूल्स हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इंगेजमेंट के हैं, पर रिडक्शन, एवी टेस्टिंग, क्लाउड मैसेजिंग। क्लाउड मैसेजिंग हमारे पास क्या है, आपके पास जो मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है, सपोज आपका फेसबुक नोटिफिकेशन आते हैं तो उस टाइप के नोटिफिकेशन के लिए हम ये क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सही, इन ऐप मैसेजिंग है, सो ये डिफरेंट टूल्स आपके पास, डायनामिक लिंक्स है, यहाँ पे रिमोट कॉन्फिग का ऑप्शन है। सही है, सो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है, इसको आप यूज कर सकते हैं जब आप काम करेंगे आगे। सही है, बट राइट नाउ वी विल जस्ट गो अहेड स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो अहेड टू द क्लाउड फायर स्टोर। सही है, तो क्लाउड फायर स्टोर की तरफ भी नहीं जाते हम, आते हैं फायर स्टोर को अभी हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है। सही है, उस ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। सो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर ऑल क्लियर एंड वी आर गुड टू गो अहेड टू द इंटीग्रेशन। सही, अब हम आते हैं अपने फायरबेस को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, स्पेशली फ्लटर एप्लीकेशन में। सही, सो उसके लिए आपने आना है firebase.flutter.dev पे। सही, अब फ्लटर के ये फायरबेस के जितने भी टूल्स हैं उनके हमारे पास यहाँ पर प्लगइन्स मौजूद है। सही है, सो इन प्लगइन्स को हम यूज कर सकते हैं। सही है, बट राइट नाउ इंटीग्रेशन के लिए अगर आपने आना है तो आपने डॉक्स में आना है, डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। सही है, अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस भी कर लूँ सो यू हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन। अक्सर लोग फिर गिला करते हैं कि हमें आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, आप हमें स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन का बताएं।
सो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन इज। अब इसको मैं अलग अलग करके आपको एक डॉक्यूमेंट में तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट आपको मैं रिसोर्सेज का बताऊंगा कि ये रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उसको आप कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, सो वेलकम टू फ्लटर फायर। सही है। flutter.firebase.dev/docs। डॉक्स पे आप आएंगे तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन इसकी मौजूद है। सही है। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आपने फायरबेस को अपने एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट करना है। सही है। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर हियर। ओके, सो नेटिव एसडीके ओवरराइडिंग आईओएस मैक्स नेक्स्ट ऑप्शन फायरबेस ऑथेंटिकेशन। सही है। सो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर आके ये फायरबेस कोर है, ये प्लगइन हमने ऐड करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। सही है। सो अब प्लगइन्स हमारे पास क्या होता है, प्लगइन्स को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अभी हम आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। सो दिस इज आवर एप्लीकेशन जो अभी तक जिसपे हम मोस्टली काफी हद तक हम काम कर चुके हैं। सो अभी हम आते हैं यहाँ पर pubspec.yaml फाइल में। सही है। सो pubspec.yaml फाइल के साथ हमने थोड़ा सा काम किया था, हमने उसमें फॉन्ट सेट किए थे। सही है। यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस वगैरह भी ऐड किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, फॉन्ट्स भी ऐड किए थे। नाउ अभी हम आते हैं कि हमने यहाँ पर इसमें प्लगइन्स कैसे ऐड करना है। सही है। डिफरेंट प्लगइन्स जो है, सो उसके लिए आपने यहाँ पर आना है डिपेंडेंसीज एंड कुपचिनो आइकन्स। यहाँ पर हम अपने डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। सही है। डिपेंडेंसीज हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास प्लगइन्स, अभी हमारे पास क्या होता है प्लगइन्स, आपके पास अगर आप मोस्टली अगर आपने सी प्लस में काम किया तो आपके पास वहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं। सो प्लगइन्स आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का एक स्मॉलर वर्जन है। सही है। जो कि स्पेसिफिक फीचर पे काम कर रहा होता है। अब जब प्लगइन्स हमारे पास, उसमें हमारे पास सारा मतलब मोस्टली जब कोई टूल है या किसी ने कोई आपके लिए एक लाइब्रेरी बनाई है तो वो सारे हमारे पास प्लगइन्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। सही है। और फ्लटर के जितने भी डार्ट एंड फ्लटर के जितने भी प्लगइन्स हमारे पास हैं उसके लिए जो हम वेबसाइट यूज करते हैं वो हमारे पास है pub.dev। सो pub.dev पे आपके पास सारे डार्ट के और सारे फ्लटर के प्लगइन्स मौजूद हैं। सही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमें बता रहा है कि यार आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर फायरबेस सर्विसेज कैन बी यूज यू मस्ट इंस्टॉल फायरबेस कोर प्लगइन। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फायरबेस कोर का प्लगइन इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। सही है। सो हम लेटेस्ट वर्जन देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आप लिख लें फायरबेस कोर, ये फायरबेस कोर का प्लगइन। सही है। सो दिस इज वर्जन 0.7.0। सही है। इसको भी हमने इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। सो हम यहाँ से आके जस्ट इसको कॉपी करें, फायरबेस कोर यहाँ पर ये इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं। सही है। सो आपके पास ये हमने ये प्लगइन इसमें ऐड कर दिया है। अब इस प्लगइन को हमने गेट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। सो उसके लिए हमने कमांड रन करना होगा फ्लटर पब गेट। सही है। फ्लटर पब गेट भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर ये देखने पब गेट, इसको डायरेक्ट क्लिक क्लिक करेंगे तो आपका ये कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। सही है। सो फ्लटर पब गेट रन करेंगे सो ये जो लाइब्रेरी का कोड था ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। सही है। अब ये कोड हमारे लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो गया है। सही है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में आप आके देख लेंगे सो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डार्ट पैकेजेस, एंड डार्ट पैकेजेस के अंदर अभी यहाँ पर देख लें फायरबेस कोर, आपके पास ये सारे प्लगइन्स आ गए हैं। सही है। फायरबेस कोर, फायरबेस कोर इंटरफेसेस, वेब कोर, सारे आपके पास ये प्लगइन्स इसमें ऐड हो गए हैं। सो वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इसने इंटरनली इस कोड के थ्रू फिच की है। सही है। जितना भी कोड था उसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था, फायरबेस कोर का प्लगइन ऐड करना था। सही। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमने अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना है। सही है। अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। सही। अच्छा ओके सॉरी, मैं डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ गया हूँ जबकि अभी तक हमने अपने एप्लीकेशन को इंटीग्रेट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अगेन, चलें इसको इसको भी कर लेते हैं यहाँ से उठा के, इसको हमने ऐड कर देना है कहाँ पर, असल मैंने एक स्टेप दरमियान में छोड़ दिया है जो कि ज़रूरी था। सो लेट्स गो बैक टू दैट स्टेप अगेन। अच्छा यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ऐड कर दें। अब हमारे पास फायरबेस का प्लगइन ऐड तो हो चुका है, आप इसको एसिंक कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप जरूरी होता है। सही है कि आप इस स्टेप को ऐड करें यहाँ पर।
अच्छा, अब हमारा एप्लीकेशन है, अब ये एप्लीकेशन है, इसको हमने कनेक्ट करना है फायरबेस डेटाबेस के साथ। सही है, हमारे पास फायरबेस डेटाबेस है, सॉरी जो फायरबेस का मेन कंसोल है, ये फायरबेस हमने अपने अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, लेट सपोज अभी हमारे पास यहाँ पर दो एप्लीकेशन होते हैं आपके पास जो डार्ट फ्लटर में, एक हमारे पास एंड्रॉइड का होता है, एक हमारे पास आईओएस का होता है। सही है, सो अगर आपने एंड्रॉइड बिल्ड जनरेट करना है उसके लिए फायरबेस यूज करना है तो दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। सही है, सो राइट नाउ मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आईओएस के ऑप्शंस हैं, इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब ये मेरा फायरबेस का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन एड करना है। तो आपने आना है यहाँ पर, एंड्रॉइड पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन का पैकेज नेम देना है। अब हमारे पास हमारे एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है उसकी तरफ हम आते हैं। आपका जो एंड्रॉयड का पैकेज नेम है वो आप एंड्रॉयड के फोल्डर में जाएंगे, ऐप ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर देन मेन, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आके यहाँ से आपको आपका पैकेज नेम मिल जाएगा। सही है, सो दिस इज अ पैकेज नेम जो कि आपका आपके एप्लीकेशन का यूनिक आइडेंटिफायर होता है ऑन गूगल प्ले स्टोर। सही है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट कनेक्ट एंड्रॉयड ऐप। डीबग साइनिंग वगैरह इसको फॉर टाइमिंग आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर आपके पास ये फाइल है गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन, इसको डाउनलोड करके हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा। सो इसको हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सो द फाइल हैज बीन डाउनलोडेड, डाउनलोड्स एंड ये गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन फाइल है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करने के यहाँ पर सारे स्टेप्स मौजूद हैं। ये कह रहा है कि आपने कहाँ पर ऐड करना है, एप्लीकेशन के अंदर, माय ऐप के अंदर, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, एंड्रॉइड का फोल्डर यहाँ पर इसको आप जस्ट पेस्ट कर दें। सही है, सो दिस इज गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब ये गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है हमारे जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड। सही है, सो आपने कोशिश करनी है ये फाइल किसी के साथ शेयर नहीं करना, हम किसी के साथ शेयर करेंगे सो ही कैन एक्सेस डायरेक्टली योर फायरबेस डेटाबेस। सही है, सो आपने ये फाइल किसी के साथ शेयर नहीं करना। अच्छा, फायरबेस ये स्टेप भी हो गया है, एंड देन यहाँ पर हमने फायरबेस की एसडीके ऐड करनी है। सही, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेक श्योर करना है कि सारी चीजें मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहे कि प्रोजेक्ट लेवल हमने अभी कुछ सेटिंग्स करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं बिल डॉट ग्रेडल की, एक हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल का बिल डॉट ग्रेडल है। सही है, आप सपोज ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये बिल डॉट ग्रेडल। सही है, इसको हम प्रोजेक्ट लेवल का बिल डॉट ग्रेडल का फाइल बोलते हैं, एंड ऐप के अंदर आते हैं सो इसको हम बोलते हैं ऐप लेवल बिल डॉट ग्रेडल। सही है, सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या है कि प्रोजेक्ट अंडर स्कोर बिल डॉट ग्रेडल, मतलब प्रोजेक्ट लेवल का जो बिल डॉट ग्रेडल है उसमें हमने कुछ सेटिंग्स करनी है अभी। सही है, सो वहां पर डिपेंडेंसीज के अंदर जाके हमने ये ऐड कर देना है। सही है, ये लाइन, सो आप जस्ट यहाँ पर आएंगे, हमने प्रोजेक्ट लेवल पे करना है, सो दिस इज प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, यहाँ पर आपके पास ये डिपेंडेंसीज हैं, सो इसमें आप ये ऐड कर दें, ये लाइन ऐड कर दें। सही है, सो ये लाइन ऐड हो गई है, बाकी सारी आप जस्ट चेक कर लें कि ये रिपोजिटरी सारी सारी मौजूद हैं, गूगल भी है, बिल्ड स्क्रिप्ट, और ये यहाँ पर सारे ये देखें बिल्ड स्क्रिप्ट में भी गूगल रिपोजिटरी मौजूद है, एंड यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर रिपोजिटरीज में भी गूगल रिपोजिटरी में, जिसको जस्ट आप मेक श्योर करें कि ये मौजूद है या नहीं है। सही है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ये। सही है, सो ये जावा सेलेक्टेड है, आप जो है ना आप सेलेक्ट करें कॉटलैन। सही है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट राइट नाउ प्रोजेक्ट है जो इनिशियली फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो आपके पास जो एंड्रॉइड के लिए जो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होती है वो कॉटलिन है, सो आप यहाँ से कॉटलिन को चूज करें। अब ये क्या बता रहा है कि आपने ऐप लेवल बिल्ड ऑन ग्रेडल में ऐड कर देना है। सही है, सो हमारे पास अब ऐप लेवल का बिल्ड ऑन ग्रेडल फाइल कौन सा है, यहाँ पर ये ऐप के अंदर आएंगे, सो ये हमारे पास है ऐप लेवल का बिल्ड ऑन ग्रेडल फाइल। सो हमने ये क्या क्या करना है, हमने ये फर्स्ट यहाँ पे ऐड अप्लाई प्लगइन ऐड कर देना है। सो अप्लाई प्लगइन ये है, एंड देन आप इसको यहाँ पर ऐड करते हैं अप्लाई प्लगइन एट द एंड ऑफ दिस वन। सो अप्लाई प्लगइन एंड देन इसको हमने ऐड कर देना है, सो आप जस्ट कॉपी करें यहाँ से। सही है,
एंड ये डिपेंडेंसीज के अंदर आके, ये डिपेंडेंसी के अंदर आके इसको हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। फायरबेस बॉम्ब एंड देन दिस पोर्टलैंड। ओके सो यहाँ तक हमारी मोस्टली जो फायरबेस की सेटिंग्स हैं वो हो गई है। सो इन सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है एंड देन अब हम क्या करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं मेन डॉट डॉट। सो नो डिवाइस सेलेक्टेड राइट नाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कनेक्ट द डिवाइस एंड देन ओके 1 मिनट प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये सारे स्टेप्स आप कर लें एंड देन उसके बाद आप क्या करें, फ्लटर क्लीन का कमांड रन करें। आपको फ्लटर क्लीन कमांड का जो है ना वो पर्पस भी मैं बता दूंगा। आपके जितने भी बिल्ड जनरेट हुए होते हैं वो सारे बिल्ड्स को डिलीट कर देता है फ्लटर क्लीन जो है, सही है। सो फर्स्ट फ्लटर क्लीन कमांड रन करने के बाद दोबारा से अपना एप्लीकेशन दोबारा से रीबिल्ड करें। और अब नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने कैसे वेरीफाई करना है कि आपका फायरबेस का प्रोजेक्ट एड हुआ है या नहीं हुआ। ओके दैट्स क्लियर। नाउ अपना एप्लीकेशन दोबारा से रन कर दें। अपना आपने ये करना है कि फायरबेस एड करने के बाद क्लीन करें एंड उसके बाद आप जो है ना अपना फोन का इंटरनेट ऑन कर दें एंड एप्लीकेशन को रन कर दें, सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फाइनली प्रेस सिंक नाउ, सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर यू आर ऑल सेट गो अहेड, सही है। सो अभी हमारा एप्लीकेशन ऐड हुआ होगा, कंटिन्यू टू कंसोल, सही है। अब आप लोग यहाँ पर देख लें हमारा एक एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जस्ट वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन ऐड हुआ है या नहीं हुआ। सो उन चीज़ों की तरफ हम बाद में आते हैं, हम टेस्ट करेंगे ना एप्लीकेशन को तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर प्रॉपरली ऐड हुआ है या नहीं हुआ। बट हमने जो अभी स्टेप्स फॉलो किए हैं आप यहाँ पे देख लें, ये देखें वेटिंग फॉर एनालिटिक्स डेटा, सही है। हमारा एप्लीकेशन जब फर्स्ट टाइम रन हो जाएगा सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि यार आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, सही है। So let's run our application and see what we see over here. So जब तक ये रन होता है हम आते हैं यहाँ पर Firebase का जो फायर स्टोर है। बट बिफोर फायर स्टोर वील जस्ट गो अहेड टू द ऑथेंटिकेशन सेक्शन। हम फर्स्ट ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड ऑथेंटिकेशन के बाद फिर हम क्लाउड फायर स्टोर की तरफ आएंगे, क्योंकि क्लाउड फायर स्टोर को एक्सेस करने के लिए हमें ऑथेंटिकेट होना जरूरी है, अगर आप प्रॉपरली जो सेटअप फॉलो करेंगे उसमें, सही है। अच्छा सो हम आते हैं ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में, सही है। लेट्स सपोज आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। अब जिस तरह हमारा हमारे एप्लीकेशन का डिज़ाइन था उसमें हमारा जो ऑथेंटिकेशन का सेटअप था वो ईमेल एंड पासवर्ड का था, तो अगर आपने भी वो ऐड करना है सो उसके लिए हम गेट स्टार्टेड कर लें, हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया उसमें। अच्छा अब इसमें हमारे पास ये सेक्शन है, इसको समझने की जरूरत है। ये साइन इन मेथड है, यहाँ पर आप आएंगे और आपने जो ऑथेंटिकेशन यूज करना है उसको आपने ऑन कर देना है यहाँ से। ये सारे डिसेबल्ड है राइट नाउ, सही है। यहाँ से आपने फर्स्ट उसको इनेबल करना है एंड देन उसको स्टार्ट कर देना है। सो इसमें काफी सारे और ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट योर प्रोजेक्ट फ्रॉम अब्यूज, वी लिमिट द नंबर ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड एनोनिमस साइन इन देयर has on same IP address, सही है। सो ये कुछ अपने लिमिट्स हैं इनके। अच्छा अभी हमने आना है ईमेल एंड पासवर्ड में, इसको इस पेज पे क्लिक करेंगे, इसको आप इनेबल कर दें, सही है। ईमेल लिंक पासवर्ड लिस्ट साइन इन जो होता है वो भी एक ऑप्शन है बट राइट नाउ उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, इसको सेव कर दें। सो आपके पास ये अभी इनेबल्ड आ जाएगा, सही है। सो इट सेज इनेबल्ड एंड देन इट्स रनिंग। ओके सो यहाँ से हमने अपना जो ईमेल एंड पासवर्ड था उसको हमने इनेबल कर दिया है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूजर्स का सेक्शन है, यहाँ पर जो आपके पास जो यूजर साइन हुए हैं ना उनका सारा डाटा आपके पास, सारा डाटा नहीं बल्कि उनका ईमेल एंड
उसका यूजर नेम और ईमेल आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है कि ये यूजर आपने ऐड किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से भी एक यूजर ऐड कर सकते हैं, सही है। सो लेट्स ऐड अ टेस्ट यूजर ओवर हियर, harun@antonex.com, उसको मैं पासवर्ड रखता हूँ, पासवर्ड 2 3 ऐड यूजर, सही है। सो अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक यूजर ऐड हुआ है, सही है। सो अब इस यूजर, ये यूजर है, इसका ये ईमेल है, ये प्रोवाइडर एंड देन क्रिएटेड, साइन इन हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये हमारे पास यूजर आईडी है, सही है। फायरबेस में ये है कि आपके पास जो भी यूजर लॉगिन होता है तो उसको एक आईडी असाइन होती है जो कि यूनिक होती है हमेशा, सही है। सो दिस इज अ यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। ओके, बिकॉज हमने सारे जो पुराने बिल्ड्स थे वो यहां से डिलीट कर दिए थे, सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग सम मोर टाइम इन जनरेटिंग अ न्यू बिल्ड। अच्छा, सो यहाँ पर आपके पास ये यूजर की जो आईडी है ये आपके पास यूनिक होती है। अभी हमने क्या करना है, हमने फायरबेस का प्रोजेक्ट तो अभी ऐड कर दिया है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप है वो आप लोग वो डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद नहीं है बट वो करने की जरूरत होती है यहाँ पर, सही है। अच्छा, ये जो अवेट रन फायरबेस एप्लीकेशन है इसको आप इस तरह डायरेक्टली यहाँ पर ऐड ना करें, भी इसमें भी थोड़ा सा मसला आएगा जब हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ओके, सो एप्लीकेशन वॉज बिल्ड एंड नाउ इट्स इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन। सो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा एंड फर्स्ट टाइम रन होगा, सो यहाँ पर आपके पास एनालिटिक्स में जो आपका जो मेन प्रोजेक्ट ओवरव्यू सेक्शन है उसमें आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका एक यूजर ऐड हुआ है। सही है, एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैड एनी एनालिटिक्स एंड राइट नाउ, जब आप अपना एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़े बहुत एनालिटिक्स आना शुरू हो जाता है, सही है। अच्छा, ये आपको ये कुछ मसला दे रहा है, सही है। सो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे असल में हमने फर्स्ट यहाँ पर हमने ये डायरेक्टली अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप डाल दिया था। सो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करते हैं विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट एट पोस्ट फ्रेम कॉल बैक एंड देन यहाँ पर आपने ऐड करना है इसको, सही है। सो अगर आपको ये इशू आ रहा है सो आप इसको इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको आप एसिंक कर दें, सही है, एंड इसको दोबारा से रीरन कर देंगे सो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। Okay, so it's having some little issues over here. I don't know. Okay, no, so such dot add post for frame callback, widget binding dot instance. Okay, what's the problem? Okay, so ये क्या कह रहा है, if you are running an application and need to access the binary messenger before run app has been called, then you need to explicitly call widget binding dot ensure initialize. Okay, so हमने क्या कर देना है यहाँ पर, इसके बजाय हमने यहाँ पर एड कर देना है widget binding dot ensure widget flutter binding डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, सही है। अब इसको यहाँ पर ऐड कर दें तो देन आपके पास ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। असल में ये हमारा एप्लीकेशन अभी तक रन नहीं हुआ और ये कुछ इंटरनल बाइनरीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जो कि अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई अभी हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो गया है। इसको स्टार्ट करें, लोड कर देंगे।
सो यहाँ तक हमारा हमने प्रोजेक्ट में फायरबेस ऐड कर दिया है और ये सारी चीजें अभी हो गई है. ओके सो इट सेज स्टिल वेटिंग फॉर एनालिटिक्स डेटा. एनी हाउ आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग बट एनी हाउ हमारा एप्लीकेशन ऐड हो चुका है. अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ. सही है. रीलोड नाउ. अच्छा सो दिस इज आवर आवर एप्लीकेशन लुक लाइक लास्ट टाइम. ओके सो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमने क्या करना है. फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम लॉग इन इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन लॉग इन के बाद हम रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हम लॉग इन कैसे करेंगे. सही है. सो उसमें बहुत सारी चीजें अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. अच्छा सो यहां से तो हमने ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी है. यहां से हमने ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी. सही है. इसको हमने इनेबल कर दिया है, ईमेल एंड पासवर्ड का जो ऑथेंटिकेशन सेटअप है. और यहां पर हमने एक यूजर भी ऐड किया हुआ है. सो अभी हम लॉग इन करेंगे इसी यूजर ईमेल एंड पासवर्ड से. सही है. इसी यूजर एंड ईमेल पासवर्ड से लॉग इन करने की कोशिश करेंगे. सही है. सो अब अगर आपने ऑथेंटिकेशन अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करनी है सो उसके लिए हम यूज करते हैं फायरबेस ऑथ का प्लगइन. सही है. सो फायरबेस ऑथ का प्लगइन यूज करना पड़ेगा उसके लिए. फायरबेस ऑथ में आएंगे और यहां पर आप फायरबेस ऑथ 0.2+1 सो इसको इंस्टॉल करते हैं. कॉपी पब्सपेक्ट डॉट यूएमएल फाइल में आकर इसको आप हम एड कर देंगे. सही है. एंड देन पबगेट बट आपने मेक श्योर करना है कि हमने फायरबेस कोर का फर्स्ट एड किया हो. सही है. अगर आप ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन एड करेंगे ना सो एंड फायरबेस कोर आपने एड नहीं किया सो ये आपका यहां पर इशू आएगा. सही है. ओके नाउ अभी हमने एड कर दिया है फायरबेस का प्लगइन भी. अब हम आते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ. आते हैं कि हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम कहां से देख सकते हैं. सही है. सो आप यहां पे रीडमी फाइल में आएंगे एंड रीडमी फाइल में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन यहां से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको रिमूव कर दिया है. एंड उसको मूव कर दिया है कहां पर, फ्लटर सॉरी फायरबेस डॉट फ्लटर डॉट डेफ पे मूव कर दिया है डॉक्स. सही है. अदरवाइज आपके पास जितने भी यहां पर पब्सपेक्ट डॉट डेफ पे आपके पास जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहां पर मौजूद होती है. सही है. अब यहाँ पर इसका एग्जांपल का एक प्रोजेक्ट भी मौजूद होता है, उसको आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंटेशन की है. सही. बट आई एम ऑलरेडी शोइंग यू कि हाउ इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो यू डोंट नीड दैट. ओके सो फायरबेस एंड यहाँ पर आप आ जाए ऑथेंटिकेशन में. सही है. हमने कौन सा ऑथेंटिकेशन, नॉर्मल ओवरव्यू में आ जाए. ओके सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने फायरबेस को रेड करना है, देन उसके बाद आपने ये स्टेप पे आना है. सही है. सो यहाँ पर इसकी इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद तो नहीं है. फायरबेस इंस्टेंस आपने फर्स्ट क्रिएट करना है एंड देन ओके सेट परसिस्टेंस डॉट नन फॉर टाइमिंग हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ऑथेंटिकेशन करनी है. एनोनिमस ओके हमने ईमेल एंड पासवर्ड साइन इन करना है. सही है. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड. सही है. अब यहाँ पर देख लें इन्होंने सारा सेटअप यहाँ पर किया हुआ है. फायरबेस डॉट इंस्टेंट डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपका नया यूजर क्रिएट करेगा. सही है. एंड देन आपने साइन इन करना है. सो साइन इन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये देख लें फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंट डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड. यहाँ पर आप ईमेल देंगे एंड यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे. सो आपका ये यूजर अगर यहाँ पर उसका अकाउंट मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ पर अगर वो एड है एंड पासवर्ड एंड ईमेल मैच करता है सो आपका वो लॉग इन हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका लॉग इन नहीं होगा. सही. अब हम आते हैं कि हमने यहाँ पर इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उन उन ऑप्शंस की तरफ आते हैं. सही है. सो नाउ जस्ट जंपिंग इनटू द कोडिंग एंड देन ओके सो हमारे पास लॉगिन का यूआई कहाँ पर था, ये हमारे पास है लॉगिन स्क्रीन.
सही है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स थी, ईमेल एंड पासवर्ड के फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फाइनल नहीं, स्ट्रिंग ईमेल का एक वो ऑप्शन बनाते हैं एंड स्ट्रिंग पासवर्ड का। सही है, सो हम यहाँ पर आते हैं कि हम यहाँ पर एंटर करें इस वैल्यूज को, सो वो हमारे पास आ जाए। ईमेल, सॉरी, अनचेंज्ड, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये अनचेंज हो रही है जितनी भी चीज़ें हैं। अगर किसी को मसला है सो दे कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड। ईमेल इक्वल्स टू वैल्यू, और किसी को समझ नहीं आ रही कि अनचेंज ये मैं कैसे कर रहा हूँ, सो देन दे नीड टू गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड, तो उसको समझ आ जाएगी, पासवर्ड हमारे पास में आ जाएगा। सही है, सो ईमेल एंड पासवर्ड दोनों हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड में आ जाएंगे। सही है, एंड देन जब हम लॉग इन पे क्लिक करते हैं, ओके, रजिस्टर टेक्स्ट नहीं, लॉग इन, ओके, दिस रजिस्टर टेक्स्ट, ओके, सो दिस इज लॉग इन बटन। सही है, जब इस लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इस यूजर को टेस्ट करना है कि ये लॉग इन है या नहीं है। सही, सो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, जो सर्विसेज का मॉडल, जो सर्विस सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं हम डायरेक्टली फायरबेस की। जितना एक एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि firebase.firebase.auth.instance, ओके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। firebase.auth.instance.sign-in-with-email-and-password, सही है, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसमें ये मैं ईमेल एंड पासवर्ड डायरेक्टली यहां पर ऐड कर दूं एंड पासवर्ड यहां पर आ जाए। सही है, एंड इसको मैं फिर क्या करूं, फाइनल क्रेडेंशियल्स इक्वल्स टू दिस। सो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि यहां पर मैं डायरेक्टली, चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर करते हैं, देन आपको मैं एक्चुअल तरीका बताता हूँ कि एक्चुअली हमने इसको कैसे करना है। सही है, सो ये क्या करता है, अच्छा यहां पर इसको एसिंक करना पड़ेगा एंड एसिंक्रोनस करना पड़ेगा इस फंक्शन को, क्योंकि ये आपको रिप्लाई करता है, ये देखना इसका हमारे पास जो सॉरी रिटर्न टाइप है वो फ्यूचर में हमें हमें दे रहा है यूजर क्रेडेंशियल्स। सही है, अब यूजर क्रेडेंशियल हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम आता है, सो यहाँ पर हमें अवेट करना पड़ेगा। सही है, अवेट, ये जब हमें रिस्पॉन्स देगा तब वो वैल्यू हमने यहाँ पर देखनी है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर आपके पास जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर, अगर वो इक्वल टू नल नहीं है, सही है, सो मतलब क्या है, सक्सेसफुल लॉग इन, सही है, एल्स लॉग इन फेल, क्लियर। सो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाए, सो हम उसको मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, एंड अदरवाइज उसको हम एक डायलॉग शो करेंगे यहां पर, क्लियर, इसकी समझ आ गई है। ये क्या करेगा, इसको हम ईमेल एंड पासवर्ड सेंड कर रहे हैं। सही है, ये जाके जो हमारा फायरबेस है उसमें चेक करेगा कि अगर ईमेल एंड पासवर्ड वो मैच करते हैं, वहां पर सक्सेसफुल लॉगिन है, तो वो हमें यूजर क्रेडेंशियल्स रिटर्न कर देगा। सही है, यूजर क्रेडेंशियल में अगर आपके पास वो, अगर वो सक्सेसफुल लॉग इन है, तो यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर आपके पास नल नहीं होगा। सही है, अगर ये इक्वल टू नल है, यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर अगर आपके पास इक्वल टू नल है, तो उसका मतलब है कि आपका लॉग इन फेल हुआ है, मतलब लॉग इन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सही है, यहां पर मैं जस्ट प्रिंट कर देता हूं, लॉग इन फेल्ड। सही है, एंड अगर वो सक्सेसफुल लॉग इन हुआ तो उसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं। अच्छा अब ये कोड है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीरन करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, एंड देन हम आपको फिर बताते हैं कि एक्चुअली बेहतर तरीका क्या है इस कोड को प्रॉपरली मैनेज करने का। सही है,
सो वी आर हियर लॉग इन, यहाँ पर मैं रहता हूँ, हारून एट एंटोनेक्स डॉट कॉम, एंड पासवर्ड यहाँ पर एंटर करते हैं। ओके, अभी इस पे मैंने प्रेस किया है, सो इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, सो व्हाट डज इट से? ओके, सो इट सेज मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, व्हाई? अच्छा, मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन आपके पास तब आता है जब आपका ये जो ऑथेंटिकेशन, सॉरी, जो आपने प्रोजेक्ट ऐड किया है वो सक्सेसफुल ऐड ना हुआ हो, तब आपके पास मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन का ऑप्शन आता है। सही है। सो यहाँ पर हमारे पास मसला है, थोड़ा सा मसला है, मौजूद है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऐड नहीं हुआ, सॉरी। ओके, सो व्हाट कैन वी डू टू रिजॉल्व दिस इशू? सही है। ओके, इसको हम चेक करते हैं, आ जाए। तो ये आपको ये क्लियरली बता देगा जब आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली एड ना हुआ हो, सो देन यू गेट दिस इशू। सही है, मिसिंग प्लग इन एक्सेप्शन, फायरबेस कोर एड हुआ है, एंड देन ऑल दिस थिंग्स आर एडिट। Yes, I had working perfectly earlier. The set of services is done right. I had authentication first, but still working. Okay, flood package is get. I want to see related file. Okay, so I was missing this problem to upgrade. I solved it by writing super dot configuration. Okay, let's see if we have this issue or not. क्योंकि असल में ये राइट नाउ आजकल जो है ना, फायरबेस बहुत एक्टिवली अपने प्लगइन्स को अपडेट कर रहा है। So there may be some issues you may face as well. So that's why I'm going ahead. ओके, लेट्स सी के ये हमारा इशू रिजॉल्व करता है या नहीं। फ्लटर क्लीन, लेट्स क्लोज इट। ओके, आई वाज हैविंग सिमिलर प्रॉब्लम विद द अपग्रेड टू, आई सॉल्व इट बाय राइटिंग फ्लटर इंजन। यस, थैंक्स, इट वर्क्स। ओके, सो इफ यू गेट सेम प्रॉब्लम, सो यू कैन रिजॉल्व इट लाइक दिस। अभी देखते हैं कि हमारा हमारा इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। सो बिकॉज एक्चुअली वी डिड द इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली फाइन, हमारी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही थी, एंड देन वी आर गेटिंग दिस इशू। सो इसको अभी देखना पड़ेगा कि हमारी जो इशू है, जो हमारा इशू है, इससे रिजॉल्व हुआ है या नहीं।
ओके सो हम आते हैं कोडिंग की तरफ, सेटअप को समझते हैं। बाकी ये छोटा इशू है, ये हमारे कोड से रिलेटेड नहीं, ये इंटरनल फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन से इशू है, सो इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। सो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पर मैं ये लॉगिन का जो साइन इन का फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर हो, सही है। बट इस ये जो है अभी हम लॉगिन का फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होगा, जो रजिस्ट्रेशन का फंक्शन होगा वो रजिस्ट्रेशन के स्क्रीन में होगा, और मतलब हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा स्केटर्ड मौजूद होता है, सही है। सो इसका बेहतर तरीका ये है कि हम क्या करें, यहाँ पर सर्विसेज एक के नाम से एक फाइल बना के उसमें हम ये सारा सेटअप ऐड करें, सही है, जो कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था, सही है। आज सर्विसेज के नाम से मैंने यहाँ पर एक एक क्लास क्रिएट की है, आज सर्विसेज। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ फाइनल अंडरस्कोर auth, और auth का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फायरबेस डॉस डॉट इंस्टेंस, फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस को मैं वो असाइन करता हूँ, सॉरी लेट्स इंपोर्ट इट टू हियर। ओके सो यहाँ पर हम इसको फायरबेस auth हमारे पास यहाँ पर आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉगिन इंप्लीमेंट करना है, सो यहाँ पर हम लॉगिन अपना इंप्लीमेंट करते हैं। ओके सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल क्रेडेंशियल्स, वो जो ईमेल एंड पासवर्ड है उसको हम यहाँ पर पास करेंगे इस फंक्शंस को, सही है। और यहाँ पर हम जो जितना भी हमारा ऑथेंटिकेशन का सेटअप है, लॉगिन है, रजिस्टर, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर करेंगे, सही है। auth डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, एंड देन यहाँ पर ईमेल एंड यहाँ पर पासवर्ड, ओके एंड देन हमने यहां पर चेक लगाना है एफ क्रेडेंशियल्स नट इक्वल्स टू नल। सो क्या मतलब, ये सक्सेसफुल लॉगिन था, सही है, सक्सेसफुल लॉगिन, अदरवाइज सो लॉगिन सक्सेस लॉगिन फेल, सही है। सो अगर हमारे पास ये क्रेडेंशियल्स नहीं, क्रेडेंशियल डॉट यूजर, ओके इसको हमें एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, एसिंक्रोनस, एंड देन यहां पर हमें अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास ये हमें फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इसको हम लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन अगर दिस इज नॉट इक्वल टू नल है, सो मतलब आपका लॉगिन सक्सेसफुल है, सही है। एंड देन अगर इक्वल टू नल है, सो ये मैं यहाँ से क्या रिटर्न करता हूँ, जस्ट मैं ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करते हैं ट्रू एंड यहाँ से हम रिटर्न करते हैं फॉल्स, सही है। एंड ये फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, सही है, यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं इस फाइनल, मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेट सपोज फाइनल स्टेटस इक्वल्स टू ये जो डेटाबेस सर्विस है auth सर्विस है ना, auth सर्विस का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है, फाइनल auth सर्विस, auth सर्विस इक्वल्स टू ओके एंड इसी auth सर्विस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सही है। auth सर्विस डॉट लॉग इन एंड इसको हम ईमेल एंड पासवर्ड सेंड कर देंगे, सही, ईमेल पासवर्ड ऑलरेडी इसमें अभी आ गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास स्टेटस आएगा एंड स्टेटस को हम यहाँ पर जस्ट चेक करेंगे, सही है। ये भी हमारे पास वेट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, सही है। ये लॉग इन हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, सही है। एंड ये क्या रिटर्न करेगा हमें, फ्यूचर में भूल रिटर्न करेगा। So I think these things are clear. Okay, so what does it say? Firebase code function not Java uses deprecated API.
So it's having some issues with this file as well. चलें अगर यहाँ पर राइट नाउ इश्यूज हैं तो हम फंक्शन लिख के आपको मैं पूरा सेटअप समझा देता हूँ एंड देन लेट मी टेस्ट इट आउट कि हमारा मसला रिजॉल्व होता है या नहीं होता. सही. सो यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. सही है. सो अगर आपका यूजर लॉग इन है सक्सेसफुल तो आपके पास ये सक्सेस आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास सक्सेसफुल सक्सेस रिटर्न हो जाएगा. सही है. तो यहाँ पर हमने स्टेटस लगाया हुआ कि एफ स्टेटस अगर ट्रू आता है सो हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाना है. सही है. प्रोफाइल स्क्रीन पे. अदरवाइज हमने क्या कर देना है, लॉग इन फील्ड यहाँ पे शो कर देना है. सो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग इन का फंक्शन. सही है. सो इस तरह हम लॉग इन हो सकते हैं. एंड देन क्रिएट अकाउंट का हमारे पास फंक्शन है. सो क्रिएट अकाउंट हमारे पास किस तरह काम करेगा. अच्छा ओके. सो ये लॉग इन स्क्रीन था. इसको मैं दोबारा से रीन करने की कोशिश करता हूँ एंड देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल रन हो जाता है. शटर क्लीन. और ऐसे जो मसले हैं ना ये आपको बहुत सारे आएंगे. सही है. और इन मसलों के साथ आपको आदी होना पड़ेगा. ये जो अभी मसला आ रहा है सो मतलब लेट सपोज कल को आपका कोर्स फाइनल हो जाता है एंड देन सो कल लेट सपोज आपका कोर्स फाइनल हो जाता है सो आई वांट आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट विद दीज थिंग्स. सो आपको जस्ट ये भी बताना है कि आपका अगर कोई इशू आता है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. जस्ट आपका जो भी इशू है उसको जाके आप गूगल पे पोस्ट करें. आप उसके आपके पास यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे ना. यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट किया था. सही है. यहाँ पर अभी हमने पोस्ट किया है उसी इशू को. सो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं स्टैक ओवरफ्लो से भी एंड बहुत सारे और भी हैं यहाँ पर. मिसिंग प्लग इन एक्सेप्शन एक्सेप्शन. सही है. सो अब ये एक सोल्यूशन था कि मैंने ट्राई किया बट उसने काम नहीं किया. अब मेरे डिफरेंट और सोल्यूशन है उसको मैं ट्राई करने की ट्राई करूंगा और देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा इशू रिजॉल्व कर देता है. सो इसको मैं देख लूंगा अगर बाद में. सही है. बट एनी हाउ आपको जो बेसिक सेटअप था वो आई थिंक समझ आ गई है लॉग इन स्क्रीन की. सही है. कि हमने जितना भी कोड है वो यहाँ पर ऐड नहीं करना, हमने सर्विसेज ऐड करना है एंड सर्विसेज में हमारे पास लॉग इन का फंक्शन है एंड उसको हमने ईमेल एंड पासवर्ड पास करके अब ये जितना भी वहाँ का जितना भी लॉजिक है अभी ये सर्विस ही कंट्रोल करेगा. सही है. ये सारे जितने भी लॉजिक है. अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है वो आपको मैं समझा दूँ. ये डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप लोग देख लें ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन डॉट कैच ई एक्सेप्शन. सही है. अब ये हमारे पास ये ट्राई एंड कैच भी है यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा और उसकी वजह क्या है उसकी वजह की तरफ मैं आता हूँ. सही है. अच्छा एक तो हमारे पास ये है ना कि हमने ये यूज किया हुआ है. अब जो फेल का ऑप्शन है उसकी तरफ हम आते हैं. ओके यहाँ पर हमें ट्राई कैच भी यूज करना पड़ेगा. सही है. अब ट्राई कैच किस लिए यूज होता है. ऑन कैच ई एक्सेप्शंस. ये एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए यूज करता है. सही है. मगर अगर आपके पास मतलब कहीं पे कोड आपका ब्रेक हो रहा है. सही है. कोई इशू आ रहा है तो उस उन एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए हम ट्राई कैच यूज करते हैं. अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग C++ में भी पढ़ी है तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ट्राई कैच हम किस लिए यूज करते हैं. सही है. अच्छा अब इसमें यह है कि ये जो कैच का ऑप्शन है कैच ई. सो ये सारे आपके जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबको कैच करता है. सही है. बट हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है उसको कैच करने की जरूरत है और वो है फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन. सही है. एंड फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगा कैच. ओके यहाँ पर इसका प्रॉपर वो सेटअप देखते हैं. सही है. कैच ई ओके e डॉट मैसेज. ओके
सो ये क्या करेगा, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल होता है सो यहाँ पे आ जाएगा, ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा यहाँ पर, सही है। अगर आपका लेट सपोज लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता तो ये फायरबेस क्या करता है, आपको एक्सेप्शन जनरेट करता है, सही है। अब इस एक्सेप्शन में हमारे पास कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन जो मैसेजेस हैं वो हो सकते हैं। लेट सपोज आपका जो है ना, यहाँ पर आपने ईमेल जो ईमेल एंड पासवर्ड दिया है, सो उसमें आपका ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, सही है। सो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर वो एरर रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि आपको वो एज एक्सेप्शन देगा वो एरर, सही है। और वो यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर उसको मैनिपुलेट करना है। एक्सेप्शन में आएंगे ना, फायरबेस एक्सेप्शन में यहाँ पर देख लें, एक्सटेंड फायरबेस एक्सेप्शन। अच्छा, इन्होंने काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन चेंज करती हैं, सो अब वो चीजें यहाँ पर नहीं है। बट एनी हाउ ये देख लें, यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है ना कि अगर आपके पास जो एक्सेप्शन आया हुआ है, आपके पास अगर उसका एरर कोड जो है ई डॉट कोड जो है, आपके पास जो एक्सेप्शन है वो यूजर नॉट फाउंड है, सो मतलब आपने जो ईमेल एंड पासवर्ड ईमेल दिया है वो यूजर हमारे पास डेटाबेस में मौजूद नहीं है, सही है। अगर वो आपके पास रॉन्ग डैश पासवर्ड है, सो मतलब आपका जो आपने जो ईमेल या पासवर्ड दिया हुआ है वो गलत है, ये हमें डिफरेंट एरर कोड्स प्रोवाइड करता है, सही है। एंड ऑथेंटिकेशन स्टेट, एरर हैंडलिंग, यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद है। जितने भी एरर्स ये जनरेट करते हैं ना, उसकी सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद होगी कहीं पर, सही है। ये देखें, अकाउंट एग्जिस्ट विद डिफरेंट क्रेडेंशियल्स एरर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आपके पास यहाँ पर ये देगा आपको, सही है। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, और इसको मैंने एक जगह पे इंप्लीमेंट भी प्रॉपर किया हुआ है, और वो कोड आपको मैं दे दूंगा, सो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये देखें, एरर कोड्स हमें जनरेट करके देगा, सही है। अकाउंट एग्जिस्ट विद डिफरेंट क्रेडेंशियल और समथिंग लाइक दैट, सही है। सो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है कि आपके पास एरर कोड अगर है यूजर नॉट फाउंड, तो मतलब जो यूजर था वो आपके पास मौजूद नहीं है, और आपने जो ईमेल दिया हुआ है वो गलत है, या आपने उसका अकाउंट क्रिएट नहीं किया। एरर कोड अगर आपके पास आ रहा है रॉन्ग पासवर्ड का, सो मतलब आपके पास पासवर्ड गलत है, सही है। सो हम जस्ट इस कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फायरबेस एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस था ये, ऑथ सर्विस ये, सही है। सो ये जो एरर है, एरर के साथ बहुत सारे कोड्स, ये जो एक्सेप्शन के साथ बहुत सारे कोड्स भी और भी हैं, ये जस्ट ये एक कोड नहीं है, इसके साथ मल्टीपल कोड्स हैं, जस्ट आपको मैं दिखा दूं। अभी इन्होंने चेंज कर दिए हैं, बट एनी हाउ लेट मी शो दैट टू यू एज वेल कि हमारे पास कौन कौन से कोड्स मौजूद है। ओके, सो लेट सी एस सी कनेक्ट, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द एरर कोड्स। ओके, सो सर्विसेज और एक्सेप्शन सर्विस, अब ये देख लें, ये डिफरेंट कोड्स मौजूद हैं आपके पास, ये देखें एरर कोड, आपका ईमेल ऑलरेडी इन यूज कोड है, हमारे पास इनवैलिड ईमेल कोड है, मतलब ये सारे कोड्स आपके पास मौजूद हैं। और यहाँ से मैं क्या कर, यहाँ असल में इसमें यहाँ पर मैंने ट्राई कैच डाला हुआ है, सो बट एनी हाउ इसको मैं यहाँ से उठा के जस्ट मैं वहां पर एक एज अ कॉमेंट पोस्ट कर दूंगा, सो ताकि आप उसको अगर बाद में यूज करना चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट एरर कोड्स हैं, हम इसको बाद में अगर खुद यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लॉग इन फंक्शन। अब अगर आप लोग देख लें, ये जितना भी कोड है ये देखें, ये आपका जो लॉग इन का एक फंक्शन है, अगर हम ये सारा कोड उठा के ये लॉग इन स्क्रीन पर डालें, सो आप सोच लें यहाँ पर आपका कितना ज्यादा कोड आ जाएगा, सही है। और उसको फिर हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, सही है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है आउट सर्विसेज की, सही है। अगर हमने आउट सर्विसेज में कोई चेंजेस करना है, हमने जस्ट यहीं पे आके हम आउट सर्विसेज में आराम से चेंजेस कर सकते हैं, सही। सो दैट्स हाउ वी आर गोना डू इट। ओके, लेट्स रन द एप्लीकेशन एज वेल ऑन द बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास था लॉग इन सेटअप, सही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेटअप है वो है रजिस्ट्रेशन का, सही है। एंड रजिस्ट्रेशन में हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे आता है,
उसका जो मेन सेटअप है वो हम ऑलरेडी काफी हद तक हम कर भी चुके थे। वेयर इज रजिस्टर्ड बटन, ये ओके। सो हमने क्या करना है, यहां पर हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने सारा ईमेल और जितने पासवर्ड फुल नेम सारा सारा डेटा उसमें डाल दिया था। सही, ये देखें स्टूडेंट डॉट फुल नेम में हमने उसका फुल नेम डाला था, एंड ईमेल है तो उसमें हमने उसका ईमेल डाला है। सही है, और पासवर्ड पासवर्ड सर जितने भी ऑप्शन है हमने सारा इसमें इस स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें एड किया हुआ है। सही, एंड हम क्या कर रहे हैं, आज सर्विस, आज सर्विस हमने बनाई है एक फाइल, सॉरी एक ऑब्जेक्ट जो आज सर्विस हमारे पास है उसका उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पर भी। सही है, सो आज सर्विस डॉट क्रिएट अकाउंट, और उसको हम क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट। सो अभी हम आते हैं इसी पे। सो ये भी हमारे पास अभी आज सर्विस में हमारे पास ये एक ऑप्शन ये भी है। सो अभी हमने क्या करना है, ये सेम सेटअप यहां पर भी यूज करना है, ये ट्राई एंड कैच का जितना भी सेटअप है। सही है, बाकी सेटअप सबका सेम है, अगर आप लॉग इन करते हैं साइनअप करते हैं सारा सेटअप तकरीबन तकरीबन सेम आता है। सही है, क्रेडेंशियल्स ये इसको हम एसिंक्रोनस बना देते हैं, एसिंक्रोनस क्रेडेंशियल्स ये अवेट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड था ना, सो हम क्या करेंगे इसको साइन इन की बजाय हम क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड कर देंगे। सही है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, ये प्रॉपर्टीज भी है स्टूडेंट डॉट पासवर्ड। सही है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट है उसमें हमने एड किया हुआ है जहाँ से हम क्रिएट अकाउंट पास पुश कर रहे हैं ना, सो यहाँ पर हमने ईमेल एंड पासवर्ड सारा इसमें एड किया हुआ है। ये देख लें स्टूडेंट डॉट पासवर्ड में हमने वो पासवर्ड असाइन किया है, स्टूडेंट डॉट ई मेल में हमने वो ई मेल असाइन किया हुआ है। सो इसका भी सेटअप आपके पास एग्जैक्टली सेम आएगा। सही है, यूजर नॉट फाउंड तो यहाँ पर नहीं आएगा, बट जो बाकी एरर कोड्स हैं ई मेल ऑलरेडी इन यूज आपके पास आ सकता है। सही है, इनवैलिड ई मेल आ सकता है। सही है, अगर आपने ई मेल अगर आपने गलत ई मेल दिया हुआ है आपके पास जो है वीक पासवर्ड का ऑप्शन आ सकता है यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड का, तो लॉग इन में आएगा। सो ये डिफरेंट एरर कोड्स हैं, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो आपके पास ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी हो गया है, क्रिएट अकाउंट का जो फंक्शन है वो भी रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम कोड को और भी ऑप्टिमाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन राइट नाउ अभी उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। सही है, जब आप इसकी इस चीज को समझ लेंगे सो देन मैंने इस कोड को इस तरतीब पे ऑप्टिमाइज करना है। ये मैं इसके लिए एक अलग क्लास बना के उसको मैं जस्ट एरर पास करूंगा और वो मुझे उसका जो है ना वो एरर मैसेज मुझे रिटर्न करेगा। सही है, सो दिस इज अ बेटर वे टू हैंडल ऑल दीज एरर मैसेजेस एंड एरर कोड्स। सही है, बट एनी हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रोसेस समझने की जरूरत है। ये प्रोसेस जब आपको समझ आ जाएगा प्रॉपरली एंड देन वी कैन जस्ट गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट अ बिट मोर इन अ मोर बेस्ट वे। सही है, जितनी बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सही है, कि जब आप अभी इंडस्ट्री में आगे जाएंगे सो आपका जो है ना कोड जस्ट ये नहीं है कि आप जस्ट कोड लिख लें, कोड लिखना कोई कोई कोड कोई भी लिख लेगा। सही है, आप किसी भी बंदे को उठा दें उसको उसके सामने दो तीन क्लासेस ले लें कोडिंग की तो वो कोडिंग स्टार्ट कर देगा। सही है, बट राइटिंग ऑप्टिमाइज कोड, सही है, सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। सही है, और वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, कि आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का एक हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब आपने जितना भी लॉजिक है उसको सेपरेट करना है। सही है, अब ऑथेंटिकेशन का जितना भी लॉजिक है वो जस्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस में है, उसका एरर कोड हैंडल करना उसका जितनी भी चीजें सबको हैंडल करना यहाँ पर इस क्लास का काम है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना इसका जस्ट काम क्या है, यूआई से डाटा उठा के यहाँ ये हमें यूआई डिस्प्ले करना और यूआई से डाटा यहाँ पर उठा के हमें इसमें सेंड कर देना, और ये हमें एक एरर मैसेज जो मैसेज रिटर्न करेगा, और मैसेज हम यहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे कि हमारा जो लॉगिन था वो सक्सेसफुल था या कोई और एरर आया हुआ है। सही है, सिंकिंग फाइल्स, एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो चुका है, दोबारा आते हैं लॉगिन में ट्राई करते हैं, अगर ये फेल हो गया सो देन ओके सो द इशू रिजॉल्व, जो इशू था। सही है,
और हमारा जो यहाँ पर देख लें, हमें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। सही है, अभी मैं क्या करता हूँ, ओके अभी हम आते हैं जो एरर कोड से, उसको थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। अच्छा यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन, वेयर इज लॉगिन स्क्रीन, या हियर इज इट इज। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथ सर्वर डॉट लॉगिन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ से। सही है, अब लॉगिन फंक्शन ये है, इसको हम ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है, तो ये चेक कर रहा है। सही है, अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है, सो ये अगर क्रेडेंशियल डॉट यूजर नॉट इक्वल टू नल, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। सही है, अदरवाइज ये क्या कर रहा है, यूजर नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दैट। सही है, अभी हम आते हैं एक वापस हम बैक आते हैं यहाँ पर। मैंने एंटोनिक्स दिया हुआ है ना, मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, जो कि अभी हमारे पास ये अकाउंट मौजूद नहीं है। सही है, अभी आप लोग देख लें, यहाँ पर एरर आपके पास आ जाएगा। ये देखें, अभी आपके पास एरर मैसेज आ रहा है, नो यूजर फाउंड फॉर दैट ईमेल, मतलब इस ईमेल के लिए आपके पास कोई यूजर मौजूद नहीं है। सही है, और यहाँ पर आपके पास जब एक्सेप्शन आता है, सो यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ ताकि हमारे पास इशू ना आए। रिटर्न फॉल्स, सही है। सो इसको आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी तरफ मैं अभी आऊंगा कुछ देर में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू दिस थिंग। ओके कंट्रोल एस करते हैं कि हमारे पास हार्ड रीलोड हो जाए, एंड देन हम एक और ईमेल ट्राई करते हैं। सही है, और जस्ट आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये 1 2 3 है, तो ये ईमेल आ रहा है, राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पर डेटाबेस में। सही है, इसको हम लॉगिन करते हैं, ट्राई करते हैं लॉगिन की। सो ये क्या बता रहा है, ये हमें इशू देगा कि यूजर विद दिस ईमेल नॉट फाउंड। ओके लेट्स लेट्स रीस्टार्ट। अब ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पर। सही है, सो अब ये जब ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो आप यहाँ पर देख लें, ये एरर देगा मुझे, यूजर विद दिस ईमेल नॉट फाउंड। ओके कहाँ पर दिया है इसने एरर, ये देख लें, नो यूजर फाउंड टू दैट ईमेल, लॉग इन फेल। सही है, सो ये मुझे ये एरर मैसेज दे रहा है कि नो यूजर फाउंड विद दिस ईमेल। सही है, सो मतलब ये प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल है। सही है, ओके सो यहाँ तक हमारा जो लॉगिन का बेसिक सेटअप है वो यहाँ तक हो जाता है। सही है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको ऑप्टिमाइज करने का, उसकी तरफ राइट नाउ में नहीं जाता, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। सही है, रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, रजिस्टर में यहाँ पर लेट सपोज हम देते हैं कोई भी, ओके इसको देखते हैं, test@gmail.com। सही है, यहाँ पास आपके पास पासवर्ड का जो लेंथ है ना वो एटलीस्ट 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सही है, रजिस्टर, तो यहाँ पर हमारे पास एक यूजर यहाँ से रजिस्टर हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यूजर रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ, ऑथेंटिकेशन में आएंगे, ये देख लें आपके पास यूजर्स में अभी ये test@gmail.com जो था, अभी नया यूजर हमने अभी रजिस्टर किया है। सही है, इसको मैं एक नया यूजर रजिस्टर करता हूँ, test1 कर दिया है उसको मैंने, एंड इंटर करते हैं। सो अभी आपके पास यहाँ पे नया यूजर भी आ जाएगा, इसको मैं रिलोड करता हूँ, सो ये जो नया यूजर है ये भी आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देख लें test1@gmail.com। सही है, अभी हम आते हैं लॉगिन की तरफ जाते हैं दोबारा से, test1@gmail.com।
ओके, इसका मैंने पासवर्ड कुछ और दिया है, आई डोंट नो क्या था, सो उस वजह से ये लॉग इन नहीं कर रहा। सही है, ये आपको ये एरर मैसेज दे रहा होगा, रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइडेड फॉर द यूजर। सही है, ये इसका मुझे पासवर्ड याद नहीं है, okay, मैंने कोई रॉन्ग पासवर्ड दिया है इसका। सो अगर मैं इसको वापस आ जाता हूँ, haroon8antonix.com, उसका पासवर्ड हमारे पास यही सेम पासवर्ड था, पासवर्ड हमारे पास सेम था 123। ये देख रहे हैं हमारे पास यूजर लॉग इन हो गया है। सही है, सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है। सही है, अब ये डेटा कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें इसको मैनेज करने के लिए भी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने बेसिक जो लॉग इन का सेटअप था वो किया है, एंड देन फिर हमने क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन था वो किया है। सही है, अब इस कोड को थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज करेंगे, बट राइट नाउ डायरेक्टली अभी मैं नहीं करूंगा, अभी अगर करता हूँ तो और कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सो फॉर नाउ आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि हमारे आज के जो टॉपिक्स थे उसमें हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन का सेटअप था, सो फायरबेस का इंट्रोडक्शन ने कर दिया है, एंड देन फायरबेस ऑथेंटिकेशन था तो ये भी हमने कर लिया है। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो फायर स्टोर से रिलेटेड है, जो उसकी जो बेसिक डेटा मॉडलिंग है। सो वील बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, और उसके साथ